टिंकू वेट शेरू ये फिल्म हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है। जैसा फिल्म के नाम से स्पष्ट है कि टिंकू की शादी शेरू से हो जाती है। दोनों शादी तो कर लेते हैं लेकिन सजा दर्शकों को भुगतनी पड़ती है। यदि ये शादी नहीं करते तो जिन्होंने भी यह फिल्म देखी है उन्हें यातना से नहीं गुजरना पड़ता। हैरत होती है कंगना रनौत से कि उन्होंने क्या सोचकर इस फिल्म पर पैसा लगाया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने बिना स्क्रिप्ट सुने यह फिल्म साइन कर ली थी। उम्मीद है कि इस तरह की गलती वे अगली बार नहीं दोहराएंगे। हैरत तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी होती है कि उन्होंने इस घटिया फिल्म को अपनी लाइब्रेरी में जगह ही क्यों दी। शेरू यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक जूनियर आर्टिस्ट है जो हिंदी फिल्मों का स्टार बनने का सपना पाले हुए है। साथ में अमीर जादों को लड़की सप्लाई करने का धंधा भी करता है। पिता के बुलावे पर वह भोपाल पहुंचता है और टिंकू यानी कि अवनीत कौर नामक लड़की से शादी कर लेता है। टिंकू का एक बॉयफ्रेंड है, वह प्रेग्नेंट है, लेकिन मुंबई आने के लिए वह शेरू से शादी कर लेती है ताकि अपने बॉयफ्रेंड से मिल सके, क्योंकि अपने परिवार की सख्ती के कारण वह बॉयफ्रेंड से शादी नहीं कर सकी है। मुंबई पहुंचते ही उसे बॉयफ्रेंड धोखा दे देता है। टिंकू के भेद खुल जाते हैं लेकिन शेरू फिर भी उसे अपना लेता है। इसके बाद तमाम घटनाएं घटती है लेकिन स्क्रीन प्ले इस तरह से लिखा गया है कि दर्शक पहली फ्रेम से ही फिल्म को खारिज कर देता है। यह बात तय है कि यदि 100 लोग इस फिल्म को देखना शुरू करेंगे तो अंत तक सिर्फ 5 ही पहुंचेंगे। बेसिर पैर की कहानी को लिखा है अमित तिवारी आनंद और सई कबीर ने। स्क्रीन प्ले तो और भी बुरा है। स्क्रीन पर ऐसी हरकतें चलती रहती है कि आप हैरानी में पड़ जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। एक के बाद एक सीन आते हैं जिनमें आपस में कोई जुड़ाव नहीं है। हल्की फुल्की फिल्म के नाम पर कॉमेडी सीन भी रखे गए हैं जिन्हें देखकर खींच पैदा होती है। गालियां क्यों रखी गई है समझ से परे है। क्या ओटीटी पर रिलीज की गई है इसलिए, जबकि ये अपशब्द स्क्रिप्ट में कहीं फिट नहीं बैठते। फिल्म ऐसे चलती है जैसे बिना ड्राइवर के गाड़ी, जो मन चाहा दिखा दिया गया और ऐसे दृश्यों से पाला पड़ता है जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। रोमांटिक सीन, कॉमेडी सीन, भाईगिरी के सीन सभी बकवास हैं। सई कबीर को पता नहीं किसने निर्देशक की कुर्सी पर बैठा दिया। कुछ भी घाल मेल बनाकर उन्होंने पेश कर दिया जिसको देख दर्शक बाल नोच लेते हैं। गीत, संगीत, टेक्निकल डिपार्टमेंट सभी का काम स्तरहीन है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बुरी एक्टिंग भी कर सकते हैं, ये बात टिंकू वेट्स शेरू देखकर पता चलती है। अवनीत कौर की एक्टिंग बहुत बुरी है। अन्य कलाकारों में भी इस बात की रेस थी कि कौन सबसे घटिया एक्टिंग करता है। टिंकू वेट्स शेरू थिएटर में रिलीज होती तो पहले शो के बाद ही उतार दी जाती। टॉर्चर से कम नहीं है यह मूवी। इस फिल्म को मैं 5 में से आधा स्टार देता हूँ।